खबर राजधानी देहरादून से है, जहां विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज महिला एकल कल्याण मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी के चलते मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत हम महिलाओं की आय को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इसके आगे उन्होंने बताया कि यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए, उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे, कुछ उप समिति बनी है, सिर्फ मैं ही उसमें एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिलाएं, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में हो। तीसरा, इसमें जो महिलाएं हैं वो विधवा, प्रतियागता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल निराश्रित महिला, या जिन महिलाओं के बच्चे अविवाहित या अवयस्क होंगे, वो हमारे इस स्कीम की पात्र होंगे। हम 1 वर्ष के लिए इस स्कीम को पहले आओ पहले पाओ के आधार पे शुरू करेंगे, और अभी हम उसके लिए एक समिति भी हमने बनाई है, जो इसकी देखिए जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए, उनके